तो जय जवाहर संगवारी हो, आज है पर्यावरण दिवस। तो पर्यावरण दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और इस पर्यावरण दिवस पर मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूँगा कि हम सब मिलकर अपने भारत को स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर बनाएं। हमारा भारत स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर कब बनेगा? जब जल, जंगल, जमीन बचेगा। यानी जब जल, जंगल, जमीन बचेगा तब हमारा भारत स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर बनेगा। तो हमें अपने जल, जंगल, जमीन को बचाना है और अपने भारत को स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर बनाना है और पर्यावरण को बरकरार बनाए रखना है। क्यों बचाना जरूरी है पर्यावरण को? क्योंकि पर्यावरण यानी प्रकृति के बिना हम अधूरे हैं। कैसे? बिना जल के बिना तो हम यानी जल के बिना तो हम अधूरे हैं, और जमीन के बिना यानी जमीन जो है, तो जमीन नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे? और जब जमीन कैसे बच सकता है, यानी जो खेती, जो किसानी होता है, तो जमीन को हम कैसे बचा सकते हैं? तो जो अभी हम रासायनिक खाद यूज़ कर रहे हैं, तो रासायनिक खाद को कम किया जा सकता है, जैविक खेती किया जा सकता है, क्योंकि रासायनिक खाद की वजह से ज़मीन जो है ठोस होते जाता है, तो आने वाले समय में दिक्कत दे सकता है। और ऐसे ही हम जंगल को कैसे बचा सकते हैं फिर? तो जंगल जो कटाई होती है पेड़ पौधे की, तो हमें वो रोकना है, काटने नहीं देना है अवैध तरीके से। और जब भी हम अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो भी पेड़ वेड़ काटते हैं, पेड़ पौधे, तो एक पेड़ हम काटते हैं तो उसके बदले दो पेड़ हमें, पेड़ के पौधे लगाने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको जितना हमसे जितना हो सकता है हम उतना पर्यावरण को नहीं बचाएंगे तो हमारा पर्यावरण भी हमें नहीं बचाएगा। इसीलिए जो है हमें पर्यावरण को बचाना है, क्योंकि देख रहे हो अभी समय, अभी बढ़ते समय में अभी टेम्परेचर भी बढ़ते जा रहा है दिन ब दिन। तो इस साल जो है तापमान कहीं ज़्यादा बढ़ चुका है, गर्मी भी कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है। गर्मी तो ऐसा हो गया है भाई कि धूप में हम चल नहीं सकते, गाड़ी हो चाहे पैदल हो, चाहे साइकिल हो चाहे कार हो, किसी में भी हो, लेकिन थोड़ा दिक्कत ही जा रहा है अभी बढ़ते समय में। और अभी मैं जो बैठा हूँ पेड़ के छांव में, ठीक है, ये पेड़ है बोल के मैं छांव में बैठ करके आपसे बात कर सक रहा हूँ। अभी भी मेरे को पसीना निकल रहा है थोड़ा थोड़ा, अगर मैं यहाँ धूप जगह में जाऊँगा तो ऐसे ही पसीना निकल जाएगा यार, बात ही नहीं कर पाऊँगा, उतना टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो क्यों, अगर हम अगर इसी तरह से लापरवाही करते रहेंगे तो हम नहीं बच पाएंगे एक दिन। इसीलिए प्रकृति है तो हम हैं, प्रकृति को हमें बचाना है, जल, जंगल, जमीन को बचाना है। यही मैं आप लोगों तक एक मैसेज पहुंचाना चाहता था। तो आई होप कि आप लोग समझ ही गए होंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, अपने साथियों को ये मैसेज पहुँचाइए, ताकि हमारा जल, जंगल, जमीन बचे रहे, पर्यावरण बरकरार बने रहे। तो और आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि मैं अभी शर्ट नहीं पहना हूँ यार, बनियान में हूँ और एक किताबेल लेके आपसे बात कर रहा हूँ। इस पे मत जाना यार, मैं जो बता रहा हूँ उस पे जाना, क्योंकि इस पे जाओगे तो मैं आपका कंफ्यूजन भी दूर कर देता हूँ। गर्मी इतना बढ़ रहा है यार, हम दिखावा क्यों करें, हम असली चीज़ों को दिखा सकते हैं ना। अब इधर पसीना निकलता रहेगा और मैं शर्ट पहने रहूँगा तो क्या मतलब दिया फिर भाई? दिखावा की ज़िंदगी हमें नहीं चाहिए, जो हकीकत है वही हम दिखाएंगे, ठीक है? तो ठीक है, इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, नए अंदाज में। तब तक ले दीजिए विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।